अदाकारा शगुफ्ता एजाज की खूबसूरती का राज क्या है और वो किस तरह खुद को तरोताजा रखती है? अदाकारा शगुफ्ता एजाज की पिछले दिनों में कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जिनमें ये अपनी उम्र से बिल्कुल कम और छोटी उम्र की जवान लड़की की तरह दिख रही थी, जिसमें उनका मेकअप मशहूर आर्टिस्ट आकिफ अलियास ने किया था। उनका ये रूप देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था कि कैसे इतनी बदल गई और एकदम उनका लुक ही बदल गया। शगुफ्ता एजाज अपनी खूबसूरती का राज बताते हुए कहती हैं कि मैं अपने चेहरे पर रोजाना नारियल का तेल लगाती हूँ, सब अच्छा। क्लिंजर अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम सब के घरों में मौजूद है, जिसको हम नारियल का तेल कहते हैं। आप भी अपने चेहरे पर नारियल के तेल से क्लिंजिंग किया करें। मैं रोजाना अपने चेहरे पर मेकअप हटाने के बाद इसी ऑयल से रगड़ रगड़ कर क्लिंजिंग करती हूँ और अपने चेहरे से गर्दन तक इसे मसाज करती हूँ। कभी भी चेहरे के साथ गर्दन को नजरअंदाज ना किया करें। क्लिंजिंग के बाद किसी भी अच्छे फेस वॉश से चेहरे को मसाज करने के बाद रगड़ कर धोएं। मसाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जिल्द के अंदर खुले मसामों की सफाई करता है और आरजी पोरों को ब्लैकेज से बचाता है। रोजाना अगर आप क्लिंजिंग और स्क्रबिंग करें तो ये तो जिल्द की ताजगी के लिए सबसे अच्छा है। जब आप चेहरे को अच्छी तरह साफ करके धो रहे तो टिश्यू पेपर या किसी सफेद कपड़े से चेहरे को साफ करें और नाक के अतराफ का हिस्सा नजरअंदाज न करें, इसको भी रगड़ें। यहाँ मौजूद ब्लैक हेड्स भी साफ हो जाती है। अब आप चेहरे पर कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या स्मूथनर लगाएं ताकि जिल्द को नरम मुलायम एहसास मिल सके। बारों में घर के साथ तेलों से बना हुआ एक तेल लगाती हूँ, जिसकी वजह से आज तक मेरे बाल अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और लगता है कि गंजपन ना हो जाए, तो मैं घर के बने तेलों का इस्तेमाल करती हूँ। हालिया व्लॉग में अपना नाइट रूटीन शेयर करते हुए अदाकारा कहती हैं, चेहरे पर क्लिंजिंग करने के बाद मसाज भी करती हूँ, जिससे जिल्द टाइट रहती है, और आई क्रीम भी लगाती हूँ ताकि काले घेरे न पड़े। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।